नमस्कार साथियों, टुडे नॉलेज यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम कल वाले वीडियो से आगे के क्वेश्चंस करेंगे, जो 26 से 50 तक की सीरीज रहेगी हमारी आज की। और आज जो इस वीडियो से नए जुड़े हैं उन साथियों को मैं बता दूं कि हम नेट JRF एग्ज़ाम जो जून 2016 में कंडक्ट हुआ था उसका सेकंड पेपर कर रहे हैं। और जो साथी नए जुड़े हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका आपको नोटिफिकेशन मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस। निम्न में से कौन सी कृषि भौगोलिक पद्धति फसल विविधीकरण अध्ययन के लिए सही है? क्षेत्रीय पद्धति। निम्न में से कौन सी मिट्टी स्वयं को घास पात से ढकने वाली मिट्टी के रूप में जानी जाती है? काली मिट्टी। काली मिट्टी स्वयं को क्या करती है कि घास फूस से ढक लेती है। खालिस्तान ने दो प्रतिस्पर्धी फर्मों के बाजार क्षेत्र के बीच रैखिक बाजार मूल्य सीमा की अवधारणा दी थी, तो किसने दी थी? टी प्लांडर ने। क्या दिया था? टी प्लांडर ने दो प्रतिस्पर्धी फर्मों के बाजार क्षेत्र के बीच रैखिक बाजार मूल्य सीमा की अवधारणा दी थी। निम्न में से कौन सा कारक सरकार के लिए परिवहन नीतियों पर ध्यान देने का कारण नहीं है? सांस्कृतिक कारण। निम्न उद्योगों में से कौन सा भारी इंजीनियरिंग उद्योग कहलाता है? हैवी मशीनरी उद्योग। निम्नलिखित में से किसने रिमलैंड सिद्धांत की संकल्पना प्रतिपादित की थी? स्पाइकमैन ने। ग्रिफिथ टेलर द्वारा कितनी प्रमुख मानव जातियों की पहचान की गई थी? पांच मानव जातियों की पहचान की थी ग्रिफिथ टेलर ने। निम्न में से किस वर्ष में मैकिंडर ने अफ्रीका सहित विसाव द्वीप पुनः निर्धारित किया था? 1919 में। रेड इंडियन अथवा अमेरिकन इंडियन निम्न में से किस प्रजाति के हैं? मंगोलाइड प्रजाति के। निम्न में से कौन सा पद शहरों और नगरों में शुद्ध जनसंख्या वृद्धि की ओर इंगित करता है? शहरी विकास। निम्न में से कौन सी प्रक्रिया आयोजना से संबंधित नहीं है? विकास। विकास आयोजना से संबंधित नहीं है। निम्न में से कौन क्षेत्रीय विज्ञान के पिता के रूप में जाना जाता है? वाल्टर इशार्ड। वाल्टर इशार्ड को क्या कहते हैं? क्षेत्रीय विज्ञान का पिता कहा जाता है, यानी कि रीजनल साइंस के फादर हैं। कौन? वाल्टर इशार्ड। निम्न में से किस विद्वान का यह मानना है कि प्रत्येक सुविचारित कार्य सबसे पहले दिमाग में चिंतन से शुरू होना चाहिए? यह वास्तविक रूप लेस के इसके पूर्व से चिंतन प्रक्रिया में शामिल करें उसका अभ्यास भी करना चाहिए, तो किसने कहे थे शब्द? बेंटन मैके ने। विकास में पिछड़े अथवा अपूर्ण क्षेत्रों की पहचान हेतु जो सर्वेक्षण कराया जाता है उसे क्या कहते हैं? नैदानिक सर्वेक्षण। भारत का सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य समूह है भारत का लगभग 90% वार्षिक कोयला उत्पादित करता है? झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ये तीनों राज्य मिलकर
भारत का 90% वार्षिक कोयला उत्पादन करते हैं। निम्न में से किस वर्ष भारत विश्व में सबसे अधिक वाहन निर्माण वाला देश बन गया? 2009 में भारत ने सबसे अधिक वाहन निर्माण किए थे। नीचे दो कथन दिए गए हैं, इनमें से एक अभिकथन ए है और दूसरा कारण आर। नीचे दिए गए कूट से हमें सही उत्तर चुनना है और हमारा अभिकथन है कि भारत में गेहूं उत्पादन क्षेत्र अर्ध आर्द्र एवं अर्ध शुष्क क्षेत्रों तक ही सीमित है। कारण इस फसल को अत्यधिक शिथिरतम पानी की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसमें क्या हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। भारत के किस राज्य में सुवर्णसिरी जल विद्युत परियोजना अवस्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। निम्नलिखित में से कौन सा GIS सॉफ्टवेयर नहीं है? ऑटोकैड। जबकि मैप इन्फो, अर्डास और आर्कव्यू ये क्या हैं? GIS सॉफ्टवेयर हैं। सूची एक को सूची दो से सुमेलित करना है और नीचे दी गई कूट से हमें सही उत्तर चुनना है। सूची एक में आरएफ दिया गया है जबकि सूची दो में उनके मापन का सतर दिया गया है। तो 1:250,000 आरएफ हो तो कौन सा होगा? मध्यम मापन का सतर होगा। यदि अनुपात 1:50,00,000 है तो कौन सा सतर होगा? लघु सतर हो जाएगा ये। और यदि आरएफ 1:25,000 हो तो क्या हो जाएगा? इसका मापन का सतर वृहत हो जाएगा। और यदि आरएफ 1:4,000 हो तो मापन का सतर क्या हो जाएगा? ग्रामीण यानी कॉडस्ट्रल। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र विस्तार 1:50,000 मापक स्थलाकृतिक मानचित्र पर 3 cm x 3 cm वर्ग द्वारा परिबद्ध क्षेत्र को बताता है? 2.25 km². नीचे दो कथन दिए गए हैं। हमारा अभी कथन ए है कि किसी वस्तु अथवा परिघटना में परिवर्तन आकलन सुदूर संवेदन द्वारा एक प्रक्रिया है। कारण GIS का प्रयोग आंकड़ों के परिवर्तन के आकलन में सहायक होता है। तो इसमें ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सूची एक को सूची दो से सुमेलित करना है। सूची एक में विद्वान हैं और सूची दो में विषव युक्ति उनके द्वारा प्रतिपादित विचार हैं। तो सेवेरस्कर ANP ने कौन सा विचार या युक्ति प्रतिपादित की थी? हवाई शक्ति। मैकिंडर ने थल शक्ति। स्पाइकमैन एजे ने रिमलैंड सिद्धांत और महन और एटी ने समुद्री शक्ति। निम्नलिखित में से किसके कारण किसी हवाई फोटो छायाचित्र के सकेल में बदलाव होता है? भू ऊंचावचन के कारण। तो दोस्तों ये था पेपर सेकंड, कंप्लीट हो गया हमारा। कल से पेपर थर्ड करेंगे इसी का। तब तक के लिए धन्यवाद। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी अवश्य करें।